नहीं सर, पहले जहाँ से कल आखिरी लाइन से छोड़ा था, जहाँ से आप बच्चे ने कहा वही जिले के उनकी आगे अभी क्लोज हो गया यस सर। यस सर। सर पेज नंबर लाइन नंबर 50 वो गाड़ी गई है। चलो साहब, अब अगले टॉपिक के हम बात करते हैं। और बहुत बहुत ये कोई सिखाता नहीं है, कनेक्शन करने का मतलब क्या है। सुनो, हम जब भी अपनी कोई अलग एप्लीकेशन बनाते हैं तो हमेशा ये तो तय है वेरिफिकेशन डेटाबेस के पास तो जाएगी जाएगी, बिना डेटाबेस के इंटरेक्शन के कभी भी कोई भी दुनिया की वो एप्लीकेशन बनी नहीं। सो करता होना करना क्या पड़ता है, हमें पूरा करती है इसलिए बकायदा डेटाबेस से कनेक्शन बनाने पड़ते ठीक। अब दिक्कत क्या आती है, समस्या क्या आती है, अगर हम एक ही कनेक्शन बनाएं तो मैंने आपको बताना सिखाया कॉन्टेक्स्ट में कोड लिख दो सारे में यूज करते रहो। तो अगर एक ही कनेक्शन बनाओगे और हजारों क्लाइंट आपकी एप्लीकेशन एक्सेस करेंगे तो बड़ी दिक्कत आती है। दिक्कत आपके एक कनेक्शन में बनाए जाएंगे मजा करेंगे करेंगे परफॉर्मेंस अगर आप हर बार 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 कनेक्शन बनाते हैं देगा और वहां से हमसे डेटाबेस की डिटेल मांगेगा, ड्राइवर का नाम, URL, यूजर नेम, पासवर्ड और पूछेगा नंबर ऑफ कनेक्शन। और वो उतने कनेक्शन बना के पूल मतलब ग्रुप ऑफ इंस्टेंसेस यानी कि कलेक्शन ही लगेगी और कुछ भी नहीं होगा, उन्हें संभाल के रख लेगा और हमसे कहेगा अब जब तेरी एप्लीकेशन हमारे अंदर आएगी तो सिर्फ तू अपनी एप्लीकेशन में डाटाबेस से इंटरेक्ट नहीं करेगा कनेक्शन बनाने के लिए, तुझे कुछ नहीं करना, सिर्फ जो हमारे पूल में कनेक्शन पड़े हैं फैच कर और उसे यूज कर ले और जैसे पूल से कनेक्शन खत्म हो जाएगा अपने आप वो पूल में वापस डाल देंगे। तो हमें अब कोई कनेक्शन मेंटेन करने की जरूरत नहीं, बार बार हमें डाटाबेस के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है, इस सारा काम वेब सर्वर करता है। तो सोचो हमारी एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस कितनी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि मैं आपको बार बार सिखाता हूँ हमेशा ऑब्जेक्ट को रीयूज करना सीखो, क्योंकि हर बार एक नया ऑब्जेक्ट बनाना ये एक बहुत हैवी वेट प्रोसेस होता है, फिर ऑब्जेक्ट की मेमोरी फ्री करना ये भी बहुत हैवी वेट प्रोसेस होता है। इसलिए एडवांस में पहले से ऑब्जेक्ट बना के रख लो एक टूल में
जरूरत पड़े वहां से निकालते रहो, जरूरत ना पड़े उसे वापस वहीं डाल दो। बार बार क्रिएट मत करो, जितनी बार आप डाटाबेस से कनेक्शन बनाते हैं उतनी ज्यादा परफॉर्मेंस डिग्रेड होती है। तो पहले से बना के रख लो एडवांस में और बस उसी पूल से निकालते रहो, यूज करते रहो। और ये सारे वेब सर्वर आज हमें फंक्शनलिटी देते हैं। इसलिए अक्सर क्या होता है, जब हम अपनी वेब एप्लीकेशन बनाते हैं डेवलपमेंट के अंदर, हम खुद डाटाबेस से कभी इंटरेक्ट नहीं करते, हम पूल से ही कनेक्शन लाते हैं, यूज करते हैं, और जब हमारा काम खत्म हो जाता है अपने आप को कनेक्शन पूल में चला भी जाता है। ऐसे हम ये कहानी करते चले जाते हैं। तो वही कनेक्शन पूल बनाना मैं अब आपको सिखाने जा रहा हूँ, कैसे हम अपने वेब लॉजिक में कनेक्शन पूल बनाते हैं और उसके बाद फिर कैसे अपने सबनेट के अंदर वहां से कनेक्शन पूल से कनेक्शन को फैच करके हम उसे यूज करेंगे। अब हम कोई भी कमांड नहीं लिखेंगे, ड्राइवर मैनेजर क्लास ऑफ और नेम और गेट कनेक्शन, ये कुछ भी हम करने वाले नहीं। ठीक है जनाब, ये हम करेंगे। अब ये होता कैसे है, सबसे पहले तो हमें एक जो वेब सर्वर है एक विजार्ड देगा, जिसके अंदर वो हमसे सारा डिटेल ले लेगा बेटे डेटाबेस की, प्लस पूछेगा नंबर ऑफ कनेक्शन कितने एडवांस में बना के रखे। फिर स्कूल का हमसे एक नाम भी ले लेगा, हमने बना दिया। उसके बाद स्कूल से कनेक्शन को फैच करके हमारे प्रोग्राम में लाने के लिए हमें क्लास दी गई है बेटे डेटा सोर्स, जो javax.sql पैकेज में मिलती है। javax.sql पैकेज में, java.sql में नहीं, javax.sql पैकेज में हमें ये क्लास मिल जाती है। ठीक सा, और इसी का मेथड होता है गेट कनेक्शन, जो पूल से हमें एक कनेक्शन का ऑब्जेक्ट लाके दे देता है। अब हमें करना क्या पड़ता है, हमें दो विजार्ड यूज करने पड़ते हैं वेब सर्वर को। पहला विजार्ड क्या होगा, पहले विजार्ड में हम एक कनेक्शन पूल बना लेंगे, उसका एक नाम दे देंगे, फिर वो दूसरा विजार्ड देगा, ठीक, जिसके अंदर वो एक हमसे डाटा सोर्स नामक क्लास का ऑब्जेक्ट खुद बनाएगा, हमसे नाम मांगेगा कि भाई इस डाटा सोर्स का ऑब्जेक्ट किस नाम से बनाना है, इस क्लास का हमें नहीं बनाना होगा, ये भी सर्वर बना के देता है। तो हमसे उस विजार्ड में पूछेगा, हाँ भाई डेटा सोर्स क्लास का किस नाम से ऑब्जेक्ट बनाना है, फिर पूछेगा पूल का नाम, इस डेटा सोर्स के ऑब्जेक्ट को कौन से पूल के साथ एसोसिएट करना है। तो हमने पूल बना के रख लिया, क्योंकि आप चाहे तो ओरेकल का भी पूल बना सकते हैं, MySQL का भी, DB2 का भी, MySQL सर्वर का भी, किसी भी डेटाबेस के पूल बना बना के रख लो, और डेटा सोर्स का ऑब्जेक्ट बनाते वक्त विजार्ड के अंदर उस पूल का नाम दो। तो ये क्या काम कर देगा, इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को उस पूल के साथ एसोसिएट कर देगा। अब ये हमें सर्वर से ऑब्जेक्ट पहले अपने प्रोग्राम में लाना पड़ेगा, क्योंकि बनाया तो वेब सर्वर में ऑब्जेक्ट है ना बेटा, तो डेटा सोर्स का ऑब्जेक्ट तो वेब सर्वर के पास है और वो एक पूल से जुड़ा हुआ भी है। बस वेब सर्वर से हम पहले स्टेप में क्या करेंगे, वो ऑब्जेक्ट अपने प्रोग्राम में लेके आ जाएंगे, और फिर उसका मेथड होता है डेटा सोर्स का गेट कनेक्शन। तो जिस पूल से आपने उसे जोड़ा होता है उस पूल से वो कनेक्शन लेके आ जाता है। अब कहानी ये है कि हम वेब सर्वर से इस डेटा सोर्स के ऑब्जेक्ट को अपने प्रोग्राम में कैसे लाएंगे। बस हमारा काम इतना होता है, जिसे हम कहते हैं टेक्निकली लुकअप करना, डेटा सोर्स के ऑब्जेक्ट को लुकअप करना। इसके लिए यहाँ पर एक सर्विस यूज की जाती है J2EE, जिसे हम कहते हैं JNDI, Java Naming and Directory Interface। ये एक सर्विस है J2EE की, जिसे हर वेब सर्वर इंप्लीमेंट करता है। JNDL सर्विस क्या करती है, ये किसी भी ऑब्जेक्ट को रिमोटली लुकअप करने में हमारी हेल्प करती है। अगर हम इस सर्विस के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट को एक नाम से बाइंड करते तो इस सर्विस के अंदर से इसके अंदर बाइंड कर देते हैं, तो फिर हम किसी भी एप्लीकेशन में इस सर्विस से वो ऑब्जेक्ट बाहर निकाल सकते हैं। बस इसको नाम बताना होगा, ये अपने आप ऑब्जेक्ट को ढूंढेगी और हमें लाके दे देगी। तो JNDI सर्विस, अब ये कर देना पूल का नाम देना प्लस एक JNDI नेम, वो अपने आप हमारा वेब सर्वर इस जो नाम हमने दिया था उस नाम से ऑब्जेक्ट बना के फिर एक JNDI नाम से बोलते हैं, उस नाम से सर्विस में बाइंड कर देते हैं अपने आप। बस हमें तो लुकअप करके लाना होता है, इसके लिए हमें एक नेमिंग नाम की क्लास दी गई है। नेमिंग क्लास का लुकअप मेथड है, जिसमें हम वो नाम देंगे जिस नाम से बाइंड किया था। ये सीधा नेमिंग क्लास JNDI सर्विस में जाती है, ये बनाई उसी के लिए गई है, और वहां से उस नाम का ऑब्जेक्ट ढूंढती है और हमें लाके दे देती है। तो हमें एक लाइन लिखनी होती है अपने प्रोग्राम में सिर्फ naming.lookup, और जिस नाम से आपने बाइंड किया था विचार में JNDI नेम जिसे हम कह रहे थे, बस वो दे दो, अपने आप की JNDI सर्विस हो जाएगी, डेटा सोर्स का इस नाम से ऑब्जेक्ट ढूंढेगी और लाके हमें दे देगी। फिर हम लुकअप गेट कनेक्शन, लुकअप गेट कनेक्शन, लुकअप गेट कनेक्शन, बस ये काम हमें करना होता है और हमारा काम हो जाए। तो मैं अब आपको पूल भी बना के दिखाता हूँ, ये सारे काम अच्छे से करके दिखाता हूँ। ठीक है जनाब,
कहानी ये पहले हमने कूलिंग की सारी बातें करी है अच्छे से. नाउ सी द एडिशन ऑफ जेडीबीसी कनेक्शन कूलिंग टू योर एप्लीकेशन यूजुअली इन्वॉल्व्स लिटिल और नो कोड मॉडिफिकेशन बट कैन ऑफन प्रोवाइड सिग्निफिकेंट बेनिफिट इन टर्म्स ऑफ एप्लीकेशन परफॉर्मेंस कॉन्करेंसी स्केलेबिलिटी इम्प्रूवमेंट सच एज दिस कैन बिकम स्पेशली इम्पॉर्टेंट व्हेन योर एप्लीकेशन इज आस्क्ड विद सर्विंग मेनी कॉन्करेंट यूजर within a requirement of sub-second response time. तो फटाफट हजारों क्लाइंट आएंगे, सबके लिए कनेक्शन पूछते जाओ, वहां से कनेक्शन लेके आओ, यूज करो. पहले से बनाओ, आपको बनाने में भी टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है, नेटवर्क पर रिक्वेस्ट करके रखने की जरूरत नहीं, पहले से आपको बना बनाया मिल रहा है. ठीक ना, देयर आर मेनी सिनेरियो इन सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर वेयर सम टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट कूलिंग इज एम्प्लॉयड. ऐसा नहीं कि कनेक्शन के पूल बनाए जाते हैं. आपको सिखाया था मैंने, कंटेनर भी हमारे थ्रेड के ऑब्जेक्ट के पूल बनाता है. जैसे ही क्लाइंट चला जाता है तो नया क्लाइंट आता है तो सेम थ्रेड से ही उसकी उसको सेवा दे देता है, उसको सर्विस प्रोवाइड करा देता है. सो देयर आर मेनी सिनेरियो इन अ सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर वेयर सम टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट कूलिंग इज एम्प्लॉयड एज ए टेक्निक टू इम्प्रूव द एप्लीकेशन परफॉर्मेंस. Object pooling is effective for two simple reasons. First, the runtime creation of a new software object is often more extensive, jaisa maine kaha tha, in terms of performance and memory than reuse of previously created objects. Second, garbage collection is an expensive process. So when we reduce the number of objects to clean up, we generally reduce the garbage collection. Har baar naya object banana aur har baar us object ki memory free karna, dono hi bahut zyada heavy weight process hote. Next, in pooling scenario, your application first creates an object pool that both cache pooled objects, जो बहुत सारे object रख लेगा, and issue objects that are not in use back to the application. जब उनकी जरूरत नहीं होती, वापस pool में चला भी जाता है. For example, pooled object could be database connections, process thread, server sockets. आप जानते हैं ना, हर client के लिए networking में socket class का object भी बनाया करते थे. ठीक, any other kind of object that may be expensive to create from the scratch. तो किन्हीं भी object की pooling की जा सकती है. As your application first start asking the pool for object, they will be newly created. But when the application has finished with the object, it is returned to the pool rather than destroy. At this time, the benefit of object pooling will be realized. Since now, as the application needs more object, the pool will be able to issue recycle object that we have previously been returned by the application. बस वही object को reuse करते चले जाते हैं. अब आता है JDBC connection pooling. Now, JDBC connection pooling is conceptually similar to any other form of object pooling. Database connections are often expensive to create because of the overhead of establish a network connection and initializing the database connection. क्योंकि हर एक connection के लिए एक session बनाया जाता है, session in the backend database. In terms connection session initializing the often requires time consuming processing to perform user authentication, establish transactional context, establish other aspect of session that are required for subsequent database usage. Ek jab aap connection banate ho database se to server bhi har connection ke liye ek session banata hai, usko username password, uske liye bahut sari log file generate karta hai, bahut sare kaam karne padte hain server ko. Fir network pe sari request jati hai, isse performance bahut degrade ho jayegi. अगर आप बार बार कनेक्शन बनाते हैं, कनेक्शन फैक्टर ऑन स्केलेबिलिटी ऑफ योर एप्लीकेशन, वैल्यूएबल डेटाबेस रिसोर्स सच एज लॉक्स, मेमोरी, कर्सर्स, ट्रांजैक्शन लॉक्स, स्टेटमेंट हैंडल, टेंपरेरी फॉर टेबल्स, ऑल टेंड टू इंक्रीज बेस्ड ऑन अ नंबर ऑफ कॉन्करेंट कनेक्शन सेशन. तो एक सेशन में ये सारे काम करने पड़ते हैं डेटाबेस को. तो सोचो जितने ज्यादा कनेक्शन बनेंगे उतना ही काम बार बार करना पड़ेगा, इससे परफॉर्मेंस डिग्रेड होगा. नाउ all in all, JDBC database connections are both expensive to initially create and then maintain over a time. So connection pooling simply means creating, managing and maintaining connection objects in advance. When the connection pool server starts, it creates a predetermined number of connection of objects. A client application would then perform, jaise maine kaha tha, JNDI lookup to retrieve a reference to a data source object. And that implements the connection that pool data source.
interface. The client definition would not need make any special provision to use the pool data source. The code would be no different from code written by the non-pool data source. अब आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ पहले लुकअप मारना डाटा सोर्स और डाटा सोर्स से क्या निकाल लेना है कनेक्शन दैट सेट। तो हम ये आजकल जितनी भी हमारी एप्लीकेशन चलती है तो सर्वर में हम खुद डाटाबेस से इंटरेक्ट करना पसंद नहीं करते, उसकी बजाय हम कनेक्शन पूल को यूज करना ज्यादा पसंद करते हैं। फिर JNDI सर्विस आती है, ये एक सर्विस है जिसे सिर्फ यहाँ पे यूज किया गया कनेक्शन के पूल में। किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर सर्वर से क्लाइंट एप्लीकेशन में लुकअप कराना है तो बस उस ऑब्जेक्ट को सीधा JNDI सर्विस में बाइंड कर दो, जिसे हम JNDI ट्री कहते हैं। ये आपसे ऑब्जेक्ट का नाम एक नाम लेके उस नाम से अपनी ट्री में इंटरनली ये ट्री मैप यूज करती है और उसमें बाइंड कर दी। फिर नेमिंग नाम की क्लास है, इसका मेथड बाइंड भी है और इसका मेथड लुकअप भी है। तो फिलहाल अभी आपको बाइंड करने की जरूरत नहीं क्योंकि ये काम आपको कंटेनर खुद ही करके दे रहा है। हाँ, बस आप क्लाइंट के एप्लीकेशन में उसे लुकअप मार सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अ नेमिंग सर्विस मेंटेन्स अ सेट ऑफ बाइंडिंग्स व्हिच रिलेट नेम्स टू ऑब्जेक्ट। जैसा मैंने कहा JEE नेमिंग सर्विस इज बेस्ड ऑन द जावा नेमिंग एंड रेडी इंटरफेस API। JNDI API allows application component and clients to look up distributed resources or services or EJB form. कोई भी ऑब्जेक्ट जो आप क्लाइंट को लुकअप करके सर्वर पे क्रिएट करके क्लाइंट को देना चाहते हैं सो दैट क्लाइंट उसे यूज कर सके, तो आप उसे JNDI सर्विस में बाइंड कर सकते हैं। तो याद रखना ये JNDI सर्विस केवल और केवल कनेक्शन पूलिंग के लिए बनाई गई। बहुत सारे ऑब्जेक्ट हम इसमें बाइंड करते हैं, EJB के बहुत सारे ऑब्जेक्ट बाइंड करते हैं। ठीक, Sun Java System Application Server provides a naming environment or a context which is compliant with standard JEE requirement. A context object provides the यहाँ तो initial context है, उसका method है naming को आरे में ही होता। A context object provides a method for binding names to object, unbinding names from object, bind भी कर सकता है, वापस भी ला सकता है, rename भी कर सकता है। और जो class है जो कि यहाँ से object को लेके आती है actually वो है initial context, वो naming में RMI वाली बोल गया वो। ठीक, इनिशियल कॉन्टेक्स्ट नाम की क्लास है, उसका मेथड बाइंड है जो सीधा इस सर्विस में बाइंड करेगी, और इनिशियल कॉन्टेक्स्ट क्लास का ही मेथड है लुकअप जो वहां से ऑब्जेक्ट को लुकअप करके लाके आपको दे दे। तो चलिए पहले खोलते हैं हम पूल का बाजार, फिर डेटा सोर्स बनाएंगे, JNDI सर्विस बाइंड करेंगे और एप्लीकेशन में लुकअप करके हम उसे यूज करेंगे। हम उसे स्टैंड अलोन एप्लीकेशन में भी लुकअप कर सकते हैं और हम इसे वेब एप्लीकेशन में भी लुकअप कर सकते हैं। चलो देखें करें, ब्राउज़र खोल लेते हैं, और कंसोल आप देख रहे हैं होम पेज आ गया। डिप्लॉयमेंट के नीचे आपको सर्विसेज नजर आ रहा है, इस सर्विस में जाओ और यहां पे आपको नजर आएगा डेटा सोर्स। दिख रहा है डेटा सोर्स, क्लिक करो। अब यहां पे एक नया डेटा सोर्स बनाओ, न्यू पे जाओ, जेन बना रहा डेटा सोर्स क्लास का, तो हमने कहा माई डेटा सोर्स, माई माई डेटा सोर्स नाम से ऑब्जेक्ट। किस नाम से इस ऑब्जेक्ट को बाइंड करना है JNDI सर्विस में, देखो तो सामने लिखा हुआ आ रहा है JNDI नेम, मैंने कहा स्ट्रिंगली। ठीक है, अब ये अब इसे कौन उसे डेटाबेस से आपने कनेक्शन बनाना, ओरेकल यूज करना, ओरेकल सारे डेटाबेस हैं, अदर है तो अदर भी यूज किया जा सकता है यहां से। फिलहाल हमने क्या यूज करना है, ठीक है साहब, तो इस नाम से बाइंड करेगा डेटा सोर्स क्लास के ऑब्जेक्ट को, इस नाम से ऑब्जेक्ट बनाएगा माई डेटा सोर्स, और कौन से डेटाबेस के साथ जोड़ना है मैंने कहा ओरेकल से नेक्स्ट। अब आपसे ओरेकल का ड्राइवर पूछेगा, यहाँ आपको यहाँ पे क्या यूज करना है, पहला दूसरा तीसरा
अच्छा, और आपको यूज करना है यहाँ पे थिन ड्राइव, नॉर्मल थिन ड्राइव, ये वाला थिन ड्राइव, ठीक है, जो एक्स से खत्म, थिन एक्स से खत्म करने के बाद जो पहला आता है ओरेकल थिन फॉर इंस्टेंस, ये वाला सिंपल, ठीक है, इससे पहले जो एक्स एक्स है उसे छोड़ देना, बस पहला वाला जो थिन आएगा एक्स को छोड़ने के बाद, यानी कि चौथे नंबर का जो आ रहा है चेक कर सकते हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये सेलेक्ट करना, ठीक, सेनेक्स डेटाबेस का नाम, हमारे डेटाबेस का नाम है एक्सी, पोस्ट नेम लोकल पोस्ट, पोर्ट नंबर, यूजर नेम, सिस्टम पासवर्ड MCA 6 मैंने दे रखा है, कंफर्म पासवर्ड MCA 6, ठीक, एक्सी हो गया, ये हो गया, सब कुछ हो गया, से नेक्स्ट, अपने आप ड्राइवर क्लास ले ली, उसने URL ले लिया, यूजर ने पासवर्ड एनक्रिप्ट कर दिया, एंड से नेक्स्ट, एडमिन सर्वर से जोड़ो, चेकबॉक्स, एंड देन से फिनिश। By default इसने एक बना दिया, अब देखो डेटा सोर्स के अंदर ये डेटा सोर्स तैयार हो गया, इस पे क्लिक मारो, यहाँ पे ऑप्शन आएगा जो अपने डेटा सोर्स बनाया था, कनेक्शन टूल, यहाँ पे आ जाओ और कनेक्शन टूल में आप देखोगे सब कुछ नजर आएगा आपको, और नीचे नजर आएगा पासवर्ड वगैरह, इनिशियल कैपेसिटी इसने बाई डिफॉल्ट 1 बनाया, आप यहाँ 100 दे दो और इसे सेव करोगे, ये 100 कनेक्शन डाटाबेस से बना के अपने पास रख लेगा, फिलहाल इसने एक बना के रख लिया, ठीक है, मैक्सिमम 15 आ सकते हैं, मिनिमम एक रह सकता है इसके, ठीक है साहब, और आप ये सारी ले सकते हैं, और अगर चेंज किया है तो सेव कर दो, नहीं किया तो कर दो, कोई जवाब, बस अब हम इनिशियल कॉन्टेक्ट क्लास की हेल्प से इस कनेक्शन पूल से कनेक्शन निकाल, अब होगा क्या, अब आप स्टैंडलोन एप्लीकेशन में जब इनिशियल कॉन्टेक्ट यूज करेंगे तो स्टैंडलोन एप्लीकेशन है सर्वर के पास जाएगी, तो सर्वर का आईपी एड्रेस, पोर्ट नंबर, है ना, प्रोटोकॉल, और सब आपको इनिशियल कॉन्टेक्स्ट में पास करना पड़ेगा, और साथ में फिर JNDI नेम भी देना होगा। अब वो कैसे करते हैं जरा ये देखो, पहले इन चलते हैं हम अपनी इस एप्लीकेशन के पास, ये भी जावाएक्स डॉट नेमिंग पैकेज के अंदर हमें मिलेगी इनिशियल कॉन्टेक्स्ट, यूटिल के अंदर एक प्रॉपर्टीज क्लास जो यूज करेंगे फिर जावा डॉट एसक्यूएल एंड भैया कौन है ये, कौन किस, जरा नाम बताना कौन है, जरूर करें, इसके बाद आइए कौन बोल रहा है, ये वाला तो मेयर पर लिए ले लिया, ये वाला मेरा सर 380 मेरा है अपना, क्या यस सर, अब तो माइक बंद हो गया उसका, सर एक और भी है सर 26533 उसका भी माइक ऑन है, माइक ऑन रखो पर आवाज तो मत आने दो,
इंपोर्ट कर ली। अब ये देखो प्रॉपर्टीज क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया यूटिल क्लास में, और हमारे पास प्रॉपर्टी क्लास का मेथड है सेट प्रॉपर्टी, पहले पढ़ा चुका हूँ। अब जावा की प्री डिफाइंड प्रॉपर्टीज है हमारे पास java.naming.factory.initial। अब यहाँ पे हमें उस क्लास का नाम देना पड़ता है जिसके थ्रू वेब लॉजिक ने JNDI कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट किया है। देखो ध्यान से सुनना, JNDI एक सर्विस है, तो इंटरफेसिस तो बेटे सन माइक्रो सिस्टम ने दे दिए, और JNDI को इम्प्लीमेंट करने वाली क्लासेस कौन बनाएगा? वो वेब लॉजिक ही बनाएगा या टॉमकैट बनाएगा। सर्विस तो सेम रहती है, बट आप सब जानते हैं इम्प्लीमेंट करने वाली क्लासेस के नाम बदलते चले जाते हैं। तो हमें एग्जैक्टली यहाँ पे उस क्लास का नाम देना पड़ता है जिसके अंदर हमारी वेब लॉजिक ने हमारे ऑब्जेक्ट को की वैल्यू के फॉर्म में रखा है, और वो क्लास होती है WL, वेब लॉजिक इनिशियल कॉन्टेक्स्ट फैक्ट्री, और इस क्लास का नाम वेरी करेगा सर्वर टू सर्वर। और JNDI क्लास ढूंढो, JNDI फैक्ट्री क्लास ढूंढो किसी भी सर्वर प्रति एक सेकंड में मिल जाती है, कोई बड़ी बात नहीं। तो इसके अंदर उस क्लास का नाम देना होगा। दूसरा URL सर्वर का। अब हमें जाना है स्टैंडलोन एप्लीकेशन से सर्वर के पास, बेटे वेब एप्लीकेशन से नहीं जाना। तो स्टैंडलोन एप्लीकेशन के लिए वेब लॉजिक ने प्रोटोकॉल दिया T3 लोकल हो 7002 पोर्ट नंबर। जब हम वेब एप्लीकेशन से जाते थे बेटे, तब हम अपने ब्राउजर से जब जाते हैं तो HTTP प्रोटोकॉल यूज करते हैं। अब हम स्टैंडलोन एप्लीकेशन से सर्वर से कनेक्ट नहीं कर रहे हैं बेटा, तो क्या यूज कर रहे हैं? ये वाला प्रोटोकॉल। फिर हमारे सर्वर का यूजर नेम प्रिंसिपल में, क्रेडेंशियल में हमेशा पासवर्ड आता है, ये रहा पासवर्ड। और फिर ये बनाया इनिशियल कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट, और इसे प्रॉपर्टी क्लास का ऑब्जेक्ट दे दिया। तो इनिशियल कॉन्टेक्स्ट प्रॉपर्टी क्लास के अंदर से ये सारी इन्फॉर्मेशन निकाल के उस डाटाबेस से कनेक्शन, उस सर्वर से कनेक्शन एस्टैब्लिश कर लेगा, और हमें इनिशियल कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। फिर इनिशियल कॉन्टेक्स्ट का मेथड है लुकअप, टिंडी नाम से बनाया था, और इसका रिटर्न टाइप होता है ऑब्जेक्ट। तो ये डाउनकास्ट किसमें कर लिया? डाटा सोर्स, आगे डाटा सोर्स, और डाटा सोर्स का मेथड गेट कनेक्शन, कनेक्शन से स्टेटमेंट, उसके बाद आप जानते हैं सारे रिकॉर्ड प्रिंट हो जाएंगे। तो EMP101 हमारी टेबल होगी बिल्कुल पड़ी हुई है, और हमें सारे रिकॉर्ड मिल जाएंगे। चलो करके देखते हैं इसमें आपके पहले आप सेट कर लेते हैं 6 का जवैक। कनेक्शन आएगा और फिर क्वेरी चलेगी और हमें रिकॉर्ड मिल जाने चाहिए। ये देखिए, तो क्या मैंने आपके ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट क्लास डॉट फॉर नेम लिखा अपने प्रोग्राम में? नहीं लिखा। क्या मैंने गेट कनेक्शन मेथड चलाया? नहीं चलाया। मैंने सिंपल डाटाबेस से सर्वर के अंदर जाके वहां से कनेक्शन को लेके आया और उसे यूज कर लिया। यही काम अब हम अपने सबनेट में भी करने जा रहे हैं। IO पैकेज एनोटेशन से सबनेट चला रहे हैं, तो एनोटेशन ले ली, इसका URL दे दिया pool1। ठीक है बेटा, राइट कर दिया डूगेट को। अब यहां देखो फिर से इनिशियल कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट बनाया, बट यहां पर इस बार मैंने इसमें प्रॉपर्टी क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं पास किया। रीजन सुनो, जब JNDI से कोई ऑब्जेक्ट आउटसाइड द सर्वर से लुकअप मारते हैं, सर्वर के बाहर से जब किसी ऑब्जेक्ट को लुकअप किया जाता है, तो बेटे आपको इनिशियल कॉन्टेक्स्ट के अंदर सर्वर डिपेंडेंट प्रॉपर्टी पास करनी पड़ती है। लेकिन बेटे मेरा से, तो फिर आपको सर्वर की डिटेल सेट करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि आपका सबनेट भी बेटे उसी सर्वर में चल रहा है जिसमें आपने कनेक्शन पूल बनाया। हाँ, कनेक्शन पूल किसी और सर्वर में होता और ये सर्वर चल रहा था किसी और सर्वर में, फिर हमें सर्वर डिपेंडेंट प्रॉपर्टी सेट करनी पड़ जाती। इस समय तो दोनों सेम ही सर्वर के अंदर है, तो फिर तो कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सिंपल इनिशियल कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट मारा, लुकअप मारा और आ गया, फिर वही क्वेरी चला गया। XML की जरूरत थी पूल 1-1, बस वार बनाते हैं और चला देते हैं पूल 1। वार बना रखी है पूल से, चलो चला लेते हैं उसमें। आगे पूल में Yes.
ठीक है, आपको सॉलिड पे कौन क्लास डॉट फॉर्म में नहीं करना पड़ा, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक, अब एक और काम आ गया हमारे पास। ठीक, अब ये वाला सॉलिड तो चला ही था हमने, लास्ट में यू भी करा रखा वाया इनिशियल कंटेक्स। अब हमें एक एनोटेशन दे दी गई है, अब आपको इनिशियल कंटेक्स का ऑब्जेक्ट बनाने की कोई जरूरत नहीं है जेएनडीआई सर्विस से ऑब्जेक्ट को लुकअप करने की। सिर्फ अपने सबमिट में एक एनोटेशन लगा दो और उसमें वो टिंडी दे दो, अपने आप डाटा सोर्स का ऑब्जेक्ट लाके आपको दे देगा। अब हमें और भी काम आसान हो गया है, एनोटेशन मिल गई। ये इस सबमिट का यूआरएल है पूल, पूल सबमिट बना लिया हमने। ये देखो बेटा, अपने डूगेट मेथड के ऊपर एक रिसोर्स नाम की एनोटेशन मैप नेम में दे दिया टिंडी, बस। अब कहीं मैं कोई इनिशियल कंटेक्स्ट ऑब्जेक्ट नहीं बना रहा हूं, सीधा ये कहां जाएगी एनोटेशन हमारे जेएनडीआई में, वहां से टिंडी नाम से ऑब्जेक्ट ढूंढेगी, डेटा सोर्स का ऑब्जेक्ट सीधा मुझे मिल जाएगा, कहानी खत्म हुई। इनिशियल कंटेक्स्ट को कर दिया बाय बाय। हाँ, बट ये एनोटेशन चलेगी सिर्फ सर्वर के अंदर, इसे स्टैंड अलोन एप्लीकेशन में नहीं करना, सर्वर के लिए बनाएंगे। ये लीजिए साहब, डेटा सोर्स का ऑब्जेक्ट आ गया। अब आपको डेटा सोर्स आ गया तो फिर क्या नीचे जाए, कनेक्शन बैक से फिर सारे रिकॉर्ड आ जाएंगे आपके पास, सिंपल। तो इसको मैंने कंपाइल करके रखा हुआ, बस इसका यूआरएल क्या है, तो पूल को देखते हैं ब्राउज़र में का, ये यहां से कॉपी करके यूआरएल देते हैं पूल। अब एनोटेशन से चलेगा और रिसोर्स के थ्रू, रिसोर्स नाम की एनोटेशन से हम जेएनडीआई की से ऑब्जेक्ट ना, तो ये थी हमारी कनेक्शन पूलिंग की इम्पोर्टेंट। दो एनोटेशन कराऊंगा, अब एक फाइल को अपलोड करने की एनोटेशन भी आ गई है और एक इंजेक्ट नाम की एनोटेशन। चलिए जल्दी इससे कर लेते हैं,
सर वो मैंने एक ऐप बनाया कोरोना वायरस पे, वो मतलब लेटेस्ट अपडेट्स वगैरह देता है और सारे रिकॉर्ड सब न्यूज़ देता है उसके बारे में, तो आपको दिखाना था मुझे। डेटा कहाँ से उठाता है? एपीआई है सर, गवर्नमेंट एपीआई है वहाँ से उठाता है। वो तो आपके ऐप में है ही पहले से। उसमें मतलब न्यूज़ वगैरह भी है। और दोस्तों आप जरूर ट्राई करना घर में, क्योंकि
ले बेटे उड़ा दिया हमने इसे और बता कर दिया बेटे कर दिया एक दो डॉट वाला भी था अब आपको वाया एनोटेशन में फाइल अपलोड करना सिखा रहा हूँ ये तो बनाई हमने अपनी एक तो आप जानते हैं फाइल अपलोड कर तो जाने वाला है मल्टीपल फॉर्म पे बता दिया फाइल का नाम अपनी जैसे कुछ भी एंटर कर देंगे एक्चुअली अपलोड फाइल नहीं हुई यहाँ से यहाँ पे हम अपलोड करेंगे उसने देखा किसके आई डी से आई थी साउंड यही है ना मल्टी पार्ट कॉन्फिग लोकेशन ई ड्राइव एफ टू पे जाएगी फाइल का थ्रेशहोल्ड साइज दे दिया हमने ये मैक्सिमाइज साइज दे दिया ये मैक्सिमम रिक्वेस्ट साइज थ्रेशोल्ड साइज होता है मेमोरी में कितना एग्जैक्ट साइज भाई फाइल तो बहुत बड़ी हो सकती है बट एट ए टाइम मेमोरी में कितना जाएगा ठीक और
ये मैक्सिमम साइज हो गया, मैक्सिमम रिक्वेस्ट मेमोरी में एट ए टाइम कितना जाएगा, दैट इज व्हाट थ्रेशोल्ड साइज, ठीक, जिसे हम कहते हैं काइंड ऑफ ए बफर, कि बफर में एक बार में इतना साइज हम भेजने वाले, तो आपने मैक्सिमम साइज भी दे सकते हैं, मैक्सिमम रिक्वेस्ट साइज भी दे सकते हैं, आपने लोकेशन दे दी। अब यहाँ पे हम एक नई क्लास दे देंगे जिसे हम यूज करेंगे इंटरफेस को पार, उससे हमारा सारा काम हो जाएगा। कैसे होगा, रिक्वेस्ट और गेट पैरामीटर, फाइल का नाम निकाल दिया, जो इधर फाइल का नाम देगा उसी नाम से एक नई फाइल बना देंगे ना, फिर हमारे पास रिक्वेस्ट का मेथड है गेट पार, और ये हमारे उस डब्बे का नाम, फाइल वाले डब्बे का नाम कंटेंट, और हमने दे दिया यहाँ पे, और पार्ट इंटरफेस का हमें कंप्लीट मिला, और पार्ट इंटरफेस का मेथड है राइट, जो भी फाइल वहां से आई होगी डॉट टी एफ की जोड़ के जो भी नाम आया होगा उसके अंदर ये सारा डेटा राइट, कौन सी लोकेशन पे ई ड्राइव एक्टिव हो जाते हैं, इवन हम गेट पार्ट भी चेक कर सकते हैं, अगर ये नॉट इक्वल टू नन है तो फिर हमने रेस्पॉन्स से गेट राइटर निकाल के गेट पार्ट में आया, निकाला हमने गेट पार्ट से, और ये नॉट इक्वल टू नन आया क्योंकि हमें पार्ट क्लास का ऑब्जेक्ट मिल ही जाएगा और आ जाएगा फाइल इंपोर्टेड सक्सेसफुल, ठीक, और इसका यूआरएल अपलोड चेक, इसे वार बना के कर देते हैं, st.var बनी हुई है, सर्वर हमने स्टार्ट कर रखा है, इसे हम क्लोज कर देते हैं, अगर हमें चाहिए होगी नीचे सबलेट में आ जाते हैं, सक्सेसफुली चेक करें ई ड्राइव पे ये है या नहीं, ई ड्राइव में एफ के अंदर ए बी सी नाम से
सबलिस्ट में थोड़ा सा स्प्रिंग फ्रेमवर्क की कॉपी करने की कोशिश ठीक। अगर हमें किसी भी क्लास का अपनी क्लास में यूज करना है तो सिंपल तरीका उसका ऑब्जेक्ट बनाओ डॉट लगाओ मैथड चल दो बट आप ऑब्जेक्ट खुद बनाते हैं उसके जबकि स्प्रिंग फ्रेमवर्क कहता है नहीं ऑब्जेक्ट तुम मत बनाओ इस क्लास का नाम मुझे दे दो मैं अपने आप ऑब्जेक्ट बना के तुम्हारे प्रोग्राम में इंजेक्ट करूंगा। बस इन्होंने भी उसी चीज को सबलेट में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की है। आप देखो सामने मेरा माई एनोटेशन सबलेट नाम का एक सबलेट बना उसके अंदर मुझे अपनी माई बी नाम की एक क्लास है उसका कोई मेथड कॉल करना है तो सीधा तरीका सर्विस में जाता हूँ बेटे माई बीन एंड न्यू माई बीन कर दूंगा और ऑब्जेक्ट बन के आ जाएगा लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला अपने आप ऑब्जेक्ट को इंजेक्ट करा दिया जाएगा माई बीन के मेरी क्लास में। ये माई बीन हो गई यहाँ से एक मैसेज बना एक मैसेज बना दिया है रिटर्न करा दिया। अब नॉर्मली अगर इसे मुझे अपने सबलेट में यूज करना है गेट मैसेज तो सिंपल तरीका तो आज तक आपने सीखा है माई बीन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ डॉट लगाओ और चला दो बेटे इस मैथड को लेकिन मैं इसे इंजेक्ट करूंगा ठीक है। ये तो मेरा सबलेट हो गया सबलेट यूआरएल पैटर्न हो गया हेलो और जिस मेथड में मुझे चाहिए उस मेथड के ऊपर क्या लगाया मैंने इंजेक्ट नाम के एनोटेशन अपनी क्लास का नाम एक रेफरेंस वेरिएबल बस अपने आप ये एनोटेशन इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना के मुझे रेफरेंस इसमें देने मुझे कोई न्यू नहीं करना और सीधा मैं यहाँ पे माई बीन को डेट मैसेज तो ये मैसेज भी आएगा मेरा मैसेज भी ब्राउजर पे प्रिंट हो जाएगा। बट हाँ इसको चलाने के लिए छोटा सा काम करना पड़ता है आपको एक बीन्स वेबाइनस के अंदर एक बीन्स डॉट एक्सएमएल बनाने और उसमें ये छोटी सी लाइन एंट्री करोगे बेटे तभी ये चलेगा अदरवाइज ये नहीं चलेगा। बीन्स डॉट एक्सएमएल बना दिए अब ब्राउज़र में आ जाओ बेटे एसटी और सबलेट है तो माई बी नामक क्लास का ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली हमारी क्लास में इंजेक्ट कर दिया इस एनोटेशन में हमें कुछ करने की जरूरत नहीं ठीक है। चलो
इसे भी निपटा लो जल्दी से। आपके सबमिट हो गए खत्म। सबमिट में बहुत सारी चीजें बाकी है, स्टडी करा दी, सब कुछ हो गया। सबमिट हो गया खत्म। अब शुरू हम करेंगे मंडे से जेएस। ठीक है ना? चल मंडे में आपसे जेएस।